वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं सोलर फ्लेक्सिबल पैनल के बारे में। जी हाँ, सोलर फ्लेक्सिबल पैनल मार्केट में आ चुका है, शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं। तो अब ऐसा होगा कि जैसे कि हम फ्रेमिंग वगैरह करवानी पड़ती थी सोलर वगैरह लगाने के लिए, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। एक तो ये चीज़ मार्केट में आई है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीपली हम जो है बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ जो है वायरल हो रही हैं कि जो है रात में चलने वाले, रात में जो है सोलर पैनल रात में चलने वाले भी जो है मार्केट में आ गए हैं, जो रात में भी जो है वर्किंग करेंगे, इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद हैं। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा तरीके से वजाहत करेंगे कि आया ऐसे पॉसिबल है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्जांपल के साथ फ्लेक्सिबल पैनल के बारे में भी बताएंगे कि फ्लेक्सिबल पैनल कैसा है और उसका रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके प्राइजेस के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से ममालिक में वो अच्छी क्वालिटी में बन रहा है। ठीक है, तरीके से इस आप सोलर पैनल को देख सकते हैं, एक फ्लेम टाइप है, तकरीबन 2 mm 2 mm तक की जो है इसकी ये फ्लेम्स है, मतलब जो इसकी थिक है वो 2 mm तक है, और स्टिकर टाइप है। आप तक चाहें तो किसी वॉल वगैरह पर भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई फ्रेमिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक और बात, जितने भी फ्रेम वाले जो हार्ड जो पैनल होते हैं वो ग्लास वगैरह टाइप के होते हैं, जो कि टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसमें टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है, आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं और इनका जो रिज़ल्ट है उन पैनल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपका जो 100 वाट का जो पैनल होता है, इस जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 100 वाट का जो पैनल होता है आपका, उसके जो है तकरीबन इसके 24 वोल्ट्स ये दे रहा है और 24 वोल्ट्स, ठीक है, ये दे रहा है और वो देता है तकरीबन 17 से 18 वोल्ट। सबसे पहला फ़र्क तो ये आ गया, जाहिर सी बात है फिर वोल्टेज में भी फ़र्क आएगा। इस तरीके से वो जो है 150 वाट का जो पैनल है वो जो है ना इतने वोल्टेज देता है, ये भी तकरीबन 550 वाट तक में ये भी अवेलेबल है और वो भी आपको 550 वाट तक में मैक्सिमम उसकी शीट्स जो है अवेलेबल होती हैं। ये फिल्म टाइप हैं और ये जो है पाकिस्तान में माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से आ चुके हैं, चाहें तो आप परचेस कर सकते हैं। इसका तकरीबन जो रेट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, उसके जो रेट है तकरीबन ये 70 rupees पर जो है वॉट है, और वो जो होता है वो तकरीबन 50 से 55 रुपये तक जो है वो वॉट होता है, पर वॉट होता है। ये तकरीबन 10-15 रुपये का इसमें सिर्फ फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप ये लगवा सकते हैं, इसकी लाइफ भी अच्छी है, टूटने का भी ख़तरा नहीं है, चाहें तो आप वॉल वगैरह पर भी लगाएं, जैसे वॉल पर आपकी जो है धूप आती है, आपके पास छत अवेलेबल नहीं है, आपकी दीवार है ऐसी जैसे फ्लैट टाइप हो गए, उनमें आपको पता है कि रूफ़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि किसी ने सोलर लगाना है तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी आजकल कि उसको जो है ना छत वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, वो बेचारा छत नहीं है तो वो सोलर नहीं लगा पा रहा। इसमें ऐसा है कि आपकी जो नॉर्मल बाहर की दीवार है उसमें आपने जो है उसको एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करने के बाद किसी भी सोल्यूशन वगैरह से वॉल पर चिपका लिया, आपका काम होता रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। तो ये सोलर फिल्म तकरीबन 2 mm तक की होती है, 2 mm तक की होती है, और इससे अब बिजली बनाई जा रही है तकरीबन दुनिया में। और इस सोलर फिल्म का अच्छा फ़ायदा ये है कि ये कहीं पर भी एडजस्ट हो जाती है, मतलब शीशे वगैरह पर या फिर आपकी दीवार वगैरह पर, या आप चाहें तो छत वगैरह पर भी इसको लगा सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको जिस तरीके से दिल चाहें आप इसको मूव कर लें, और मूव करने के बाद ये उस सोलर पैनल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये पाकिस्तान वगैरह में भी अब अवेलेबल है। इसके अलावा इसके जिस तरीके से ये आप पेपर टाइप मटेरियल देख रहे हैं, इससे थोड़ा मोटा मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है। पहले शीट्स वगैरह होती थी तो उनको लगाने का जो तरीक़ेकार होता था वो अलग होता था, इसको आप आराम से दीवार वगैरह पर भी हैंडल कर सकते हैं, कोई फ्रेम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है आई है मार्केट में, आप अब आगे आने वाले वक्तों में इस पर ही सोलर से फ्री एनर्जी बनाते हुए देखा करेंगे।
भाई आपने कभी क्या सोचा है एसी का जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री से कम क्यों नहीं होता, जबकि हम 10 डिग्री सेल्सियस तक का ठंड आराम से सह भी लेते हैं, तो फिर हर एसी में सबसे ठंडा सेट 16 डिग्री ही क्यों सेट हो पाता है, उससे नीचे क्यों नहीं। कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन देंगे, मगर उससे पहले जो है चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब लाजमी कर दें। देखो जितने भी एसी आते हैं उनमें सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर और जो है कंप्रेसर एवेपोरेटर लगा हुआ होता है। रेफ्रिजरेंट का काम जो है सारी बाहर की हवा को जो है एब्जॉर्ब करना होता है, और एवेपोरेटर का काम उसे ठंडा करके एवेपोरेट करना होता है। अब अगर 16 डिग्री से जो है इसका टेम्परेचर कम गया तो जो है एवेपोरेटर के ऊपर बर्फ जम जाएगी और एसी काम करना बंद कर देगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैटरी की जिसको कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, चाइना ने एक ऐसी बैटरी इजाद की है जिसको कभी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके सेलफोन्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, कैमरा वगैरह हो गए, इनमें जिस तरीके से बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, आपको रोजाना चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, एक ऐसी बैटरी इजाद बेटावोल्ट नाम की एक कंपनी है जिसने ये बैटरी इजाद की है, और मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। और हम बात करने वाले हैं इसी बैटरी के बारे में कि ये किस तरीके से बनाई गई है, क्या न्यू टेक्नोलॉजी इजाद की गई है पहली बात, और दूसरी बात ये है कि ये कब मार्केट में लॉन्च होने वाली है और इसके प्राइस क्या होंगे। ठीक है, इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, इसके साइज के बारे में बात करेंगे, और ये कहां कहां अभी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा बिल्कुल एंड तक, आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बात करने वाले हैं इनकलाबी इजाद के बारे में। एक ऐसी बैटरी बना ली गई है जो कि 50 साल तक चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब जो कि बगैर चार्ज के हमें एनर्जी मुहैया करती रहेगी। जी हाँ, ये एक रेडियो एक्टिव बैटरी होगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होगी। इसे आप घर लाएं, इसकी पूरी लाइफ आप इसको चार्ज ही नहीं करेंगे, और 50 साल तक जो इसके ऊपर एनर्जी मेंशन है ये आपको देती रहेगी। ये बैटरी हमारे मोबाइल फोन्स की बार बार चार्जिंग की जरूरत को ख़त्म करने वाली है। तो दोस्तों, आज आपको पता चल जाए कि आज तक जिस तरीके से हम सोलर पैनल लगा रहे थे, हम लोग एनर्जी का लॉस कर रहे थे, और ये सही तरीका नहीं है सोलर पैनल लगाने का। और इनफैक्ट ये रिसर्च के बाद मुझे भी पता लगा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, नेदरलैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च ने ये ऐसा क्या अपनी रिसर्च में साबित किया है जिससे कि सोलर पैनल्स को लगाने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमाली इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं सोलर फ्लेक्सिबल पैनल के बारे में। जी हाँ, सोलर फ्लेक्सिबल पैनल मार्केट में आ चुका है, शायद आप लोगों ने देखा हो या नहीं। तो अब ऐसा होगा कि जैसे कि हम फ्रेमिंग वगैरह करवानी पड़ती थी सोलर वगैरह लगाने के लिए, अब उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। एक तो ये चीज़ मार्केट में आई है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीपली हम जो है बात करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोज़ जो है वायरल हो रही हैं कि जो है रात में सोलर पैनल भी जो है मार्केट में आ गए हैं, जो रात में भी जो है वर्किंग करेंगे, इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पर और फेसबुक पर मौजूद हैं। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे और इसको भी बहुत ज़्यादा तरीके से वजाहत करेंगे कि आया ऐसे पॉसिबल है, और आपको जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ फ्लैक्सीबल पैनल के बारे में भी बताएंगे कि फ्लैक्सीबल पैनल कैसा है, और उसका रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके प्राइजेस के बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से ममालिक में वो अच्छी क्वालिटी में बन रहा है। ठीक है, तरीके से इस आप सोलर पैनल को देख सकते हैं, एक फ्लेम टाइप है, तकरीबन 2 mm 2 mm तक की जो है इसकी ये फ्लेम्स है, मतलब जो इसकी थिक है वो 2 mm तक है, और स्टिकर टाइप है। आप तक चाहें तो किसी वॉल वगैरह पर भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई फ्रेमिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक और बात, जितने भी फ्रेम वाले जो हार्ड जो पैनल होते हैं वो ग्लास वगैरह टाइप के होते हैं, जो कि टूटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, इसमें टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है, आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और इनका जो रिज़ल्ट है उन पैनल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आपका जो 100 वाट का जो पैनल होता है, इस जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख सकते हैं, 100 वाट का जो पैनल होता है आपका, उसके जो है तकरीबन इसके 24 वोल्ट ये दे रहा है, और 24 वोल्ट्स, ठीक है, वो दे रहा है, ये दे रहा है, और वो देता है तकरीबन 17 से 18 वोल्ट। सबसे पहला फ़र्क तो ये आ गया, जाहिर सी बात है फिर वोल्टेज में भी फ़र्क आएगा। इस तरीके से वो जो है 150 वाट का जो पैनल है वो जो है ना इतने वोल्टेज देता है, ये भी तकरीबन 550 वाट तक में ये भी अवेलेबल है, और वो भी आपको 550 वाट तक में मैक्सिमम उसकी शीट्स जो है अवेलेबल होती हैं। ये फिल्म टाइप हैं, और ये जो है पाकिस्तान में
माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से आ चुके हैं, चाहें तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका तकरीबन जो रेट है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। उसके जो रेट है तकरीबन ये 70 रुपीज़ पर जो है वॉट है, और वो जो होता है वो तकरीबन 50 से 55 रुपये तक जो है वो वॉट होता है, पर वॉट होता है। ये तकरीबन 10-15 रुपये का इसमें सिर्फ फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप ये लगवा सकते हैं, इसकी लाइफ भी अच्छी है, टूटने का भी ख़तरा नहीं है। चाहे तो आप वॉल वगैरह पर भी लगाएं, जैसे वॉल पे आपकी जो है धूप आती है, आपके पास छत अवेलेबल नहीं है, आपकी दीवार है ऐसी जैसे फ्लैट टाइप हो गए, उनमें आपको पता है कि रूफ़ वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसी ने सोलर लगाना है तो सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी आजकल कि उसको जो है ना छत वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, वो बेचारा छत नहीं है तो वो सोलर नहीं लगा पा रहा। इसमें ऐसा है कि आपकी जो नॉर्मल बाहर की दीवार है उसमें आपने जो है उसको एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करने के बाद किसी भी सॉल्यूशन वगैरह से वॉल पे चिपका लिया, आपका काम होता रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको इससे मिलने वाली है। तो ये सोलर फिल्म तकरीबन 2 mm तक की होती है, 2 mm तक की होती है, और इससे अब बिजली बनाई जा रही है तकरीबन दुनिया में। और इस सोलर फिल्म का अच्छा फ़ायदा ये है कि ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती है, मतलब शीशे वगैरह पर या फिर आपकी दीवार वगैरह पर, या आप चाहें तो छत वगैरह पर भी इसको लगा सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, इसको जिस तरीके से दिल चाहें आप इसको मूव कर लें, और मूव करने के बाद ये उस सोलर पैनल से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ये पाकिस्तान वगैरह में भी अब अवेलेबल है। इसके अलावा इसके जिस तरीके से ये आप पेपर टाइप मटेरियल देख रहे हैं, इससे थोड़ा मोटा मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है। पहले शीट्स वगैरह होती थी तो उनको लगाने का जो तरीक़ेकार होता था वो अलग होता था। इसको आप आराम से दीवार वगैरह पर भी हैंडल कर सकते हैं, कोई फ्रेम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है आई है मार्केट में। आप अब आगे आने वाले वक्तों में इस पर ही सोलर से फ्री एनर्जी बनाते हुए देखा करेंगे। इस पे मज़ीद जो है 10 से ज़्यादा जो है कंपनीज जो हैं मज़ीद लगाई जा रही हैं बड़े पैमाने पर। ये देख सकते हैं आप, ये आराम से इजली ज़रा सा जो पेपर का पीस है इसका, फिल्म का, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से एक छोटा सा 12 वोल्ट का पंखा चला रही है। पहले ये शीट्स हुआ करती थी जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह खींचती घेरी जाती थी। ये देखें, ये साइकिल का एक नॉर्मल जो है शेड है, और उससे जो है तकरीबन अच्छी खासी बिजली बनाई जा रही है, और साइकिल का शेड अपनी जगह। इसमें वन साइड जो है स्टिकर होता है, आप जहां दिल चाहें इसको स्टिकर को आप चिपका सकते हैं दीवार पर या शीशे पर, या यहां तक के विंड पर भी आप चिपका सकते हैं। पाकिस्तानी लिहाज से अगर देखा जाए तो आप इस मटेरियल को देख सकते हैं, इस टाइप का मटेरियल पाकिस्तान में आ चुका है जो कि थोड़ा सा मोटा है, मगर इसमें भी अच्छी बात यह है कि ये फ्लेक्सिबल है, जहां आप दिल चाहे इसको रख सकते हैं। ज़मीन पर रखना चाहें ज़मीन पर रख दें, लटकाना चाहें लटका दें। इसमें होल्स वगैरह दिए हुए हैं, आप हैंग भी कर सकते हैं दीवार वगैरह पर, आपको कोई फ्रेम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं। चाहें तो आप गाड़ी की छत पर रख लें, चाहें तो आप किसी भी टेम्प्रेरी जगह पर रख लें। अब इसके वोल्टेज चेक किए जाएं अगर, तो ये 100 वॉट का पैनल है और आप देख सकते हैं तकरीबन 24 वोल्ट्स दे रहा है, जबकि वो नॉर्मल पैनल जो है 150 वॉट का वो तकरीबन 18 से 20 वोल्ट देता है। ये उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर है। ये वो वाले पैनल जो आपके हार्ड मटेरियल वाले जो मोनो पोली इस टाइप के मटेरियल से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इन शीट्स को आप देख सकते हैं, ये शीट्स जो है एक साइड जो है वो नॉर्मल पैनल है और एक साइड फ्लेक्सिबल पैनल है। इनके आप वोल्टेजेस में आप फ़र्क बखूबी देख सकते हैं कि वो 24 वोल्ट दे रहा था और ये तकरीबन 18 से 17 वोल्ट देते हैं।
बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आगे आने वाले वक्तों में आपको फ्लेक्सिबल पैनल ही मिलेंगे, और फ्लेक्सिबल पैनल की सबसे अच्छी बात यही है कि ये उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सब जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की जगह हो, कहीं पे अगर आपकी दीवार मूव हो रही हो, कहीं पे आपका अगर मोड़ हो, तो उसमें भी आप लगा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। आपको सोलर पैनल की एडजस्टमेंट के लिए क्रॉस वगैरह में लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कोई फ्रेमिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं। ये देख सकते हैं बिल्कुल टेम्पररी टाइप है, और इसमें आप इस तरीके से किसी भी मैजिक, किसी भी सिलिकॉन, कोई भी इस तरीके की चीज़ से लगा सकते हैं। अब MRI या CT स्कैन की मशीन को अगर आप खोला हुआ देखें, चार्जिंग की समस्या होने में पेट्रोल और डीजल डालते हैं, वैसे ही हम लिक्विड बैटरी गाड़ियों में डाल सकते हैं, डालने से भी जल्दी हो जाएगा। आज की बैटरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्हीं लिक्विड बैटरी के बारे में, कैसे करती है ये, दो प्रिंसिपल पे काम। लिथियम आयन बैटरी का प्रिंसिपल, लिथियम आयन बैटरी जो हमारे गैजेट्स में फ्लो बैटरी का, ये फ्लो बैटरी अभी करेंगी टाइप बैटरी यूज होती है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर होते हैं दोस्तों कैथोड एनोड एक सेपरेटर, और ये सब एक इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड के अंदर होते हैं। चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के यूज करते हैं तो यही इलेक्ट्रिक सर्किट उल्टा हो जाता है। सब मटेरियल है जो सबसे ज्यादा बैकअप लिथियम बैटरी, फ्लो बैटरी एंड फ्लो बैटरी के अंदर होला कैथोड बन जाता है। तो लेते हैं जो कि सॉलिड होते हैं, डीटॉक्स फ्लो बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड दोनों ही लिक्विड होते हैं, और इस इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के अंदर एनोड और कैथोड बनाने को चार्ज क्यों आता है दोस्तों, वेनेडियम जो ABS